हेलो गाइस। तो भाई कैसे हो सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे हो गए। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारे फ्री फायर के एवोल्यूशन के बारे में कि भाई हमारा ओबी फर्स्ट अपडेट कब आया था, और गाइस OB39 जो अपडेट आने वाला है, मतलब कैसे चेंजेस हम लोग को देखने को मिले, कैसा एवोल्यूशन हुआ हमारे फ्री फायर का, सारी बात करेंगे हम लोग। और गाइस यहाँ पे मैं आपको पुराने डेज भी याद दिलाऊंगा इस वीडियो में। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई आपके एक लाइक से पता चलेगा कि हाँ भाई आपको ओल्ड डेज याद आ गए हैं। सो गाइस चलो हम लोग बात करते हैं हमारी फ्री फायर की जर्नी के बारे में। तो भाई यहाँ पे बात है 23 अगस्त 2017 की, जब हमारा फ्री फायर गेम लॉन्च हुआ था। तो भाई शुरुआत में हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता था, एकदम सिंपल सा रहता था तब। भाई मतलब इतना गेम हमारा एडवांस नहीं हुआ था, 2017 बहुत पुराना समय है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो पुराना हमारा इंटरफेस कैसा होता था, कितना मजा आता था। अगर आप लोग शुरुआत में खेले होगे तो भाई आपकी मेमोरीज ताजा हो जाएंगी। सो गाइस देख सकते हो ऐसा इंटरफेस देखने को मिला था। मैं आपको बता दूं, हम लोग को शुरुआत से ही एलिट पास, ओबी अपडेट और गाइस गोल्ड रॉयल देखने को नहीं मिलता था। गेम हमारा आया था उसके बाद हम लोग कुछ महीने ऐसे खेले थे, फिर हम लोग को ये चीजें देखने को मिली थी। सो गाइस चलो हम लोग बात करते हैं हमारे फर्स्ट ओबी अपडेट के बारे में। सो गाइस हमारे गेम लॉन्च होने के 2 महीने बाद हम लोग को फर्स्ट ओबी अपडेट देखने को मिला था अक्टूबर में, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसमें हम लोग को पहली व्हीकल देखने को मिली थी गेम की, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो कि हमारी ट्रक एक बेसिकली होती है, ये हमारी पहली व्हीकल थी गेम की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऐसा कुछ हमारा इंटरफेस रखा गया था ओबी अपडेट का, उसके बाद आप लोग मजे से इसमें खेलते थे। तो भाई हमारा फर्स्ट ओबी अपडेट हम लोग को 2 महीने बाद देखने को मिला था गेम के लॉन्च होने के बाद। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कैसा गेम प्ले हमारा होता था। फिर हमारा बात करते हैं ओबी सेकंड अपडेट के बारे में। तो भाई हम लोग को ये 2 महीने बाद देखने को मिला था दिसंबर में, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 1.5 स्किल लिखी गई है। फिर आपको यहाँ पे फॉर्म देखने को मिली थी हम लोग को ओबी सेकंड अपडेट में। फिर हम बात करते हैं ओबी थर्ड अपडेट के बारे में। तो भाई ओबी थर्ड अपडेट हमारा बहुत जल्दी आ गया था, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मतलब ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे उसके बाद हमारा ओबी थर्ड अपडेट आ गया था। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओबी फोर अपडेट। तो भाई ओबी फोर अपडेट भी ज्यादा टाइम नहीं लिया था, 1 महीने बाद हमारा ओबी फोर अपडेट भी आ गया था 2018 में। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफी सही चीज हमारी ऐड की गई थी ओबी फोर अपडेट में, थोड़े से चेंजेस कर दिए गए थे ग्राफिक में। फिर हम बात करते हैं हमारे ओबी फाइव अपडेट के बारे में। तो भाई देखो यहाँ पे ओबी फाइव अपडेट में हमारे कैरेक्टर्स देखने को मिले थे, जो कि पहली कैरेक्टर हमारी आई थी निकिता। मतलब पहली कैरेक्टर तो हमारी वैसे फोर्ड था, पर भाई यहाँ पे ऐसे न्यू कैरेक्टर करके देखने को हम लोग को मिले थे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ओबी सिक्स अपडेट के बारे में। सो गाइस आप लोग यहाँ पे डेट भी देख सकते हो कैसे कैसे अपडेट हम लोग को दिए जा रहे थे। कुछ अपडेट मतलब बहुत जल्दी आ जाते थे, कुछ बहुत ज्यादा टाइम लगा लेते थे, जैसे 2 महीने 3 महीने ऐसे टाइम लगा लेते थे। तो भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितनी सही चीजें ऐड की गई थी गेम में, मतलब काफी मजा आ रहा होगा आपको देखने में, क्योंकि भाई अगर आप लोग ओल्ड प्लेयर हो तो भाई बहुत ज्यादा आपको मतलब मेमोरीज ताजा आपकी हो रही होंगी। सो गाइस हम बात करते हैं ओबी सेवन अपडेट के बारे में। ओबी सेवन अपडेट में हम लोग को देखने को मिला था सर्फ बोर्ड, जो कि पहली बार गेम में सर्फ बोर्ड आई थी। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ओबी एट अपडेट, जो कि शुरुआत में बहुत ओपी गेम होता था, और कैरेक्टर्स इसमें ऐड किए गए थे, जैसे कि हमारा क्लॉ और बाकी के कैरेक्टर्स ऐड किए गए थे। तो भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफी सही गेम हमारा होता था शुरुआत में। अब तो भाई पूरा पेड एंड विन वाला इवेंट रखा गया है। फिर आप लोग को यहाँ पे ओबी नाइन अपडेट में देखने को मिली थी मॉन्स्टर ट्रक पहली बार गेम में। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफी सही चीजें हम लोग को देखने को मिलती थी शुरुआत में। और गाइस ओबी नाइन अपडेट में हम लोग को ग्लू वॉल स्किन देखने को मिली थी, मतलब पहली बार गेम में ग्लू वॉल आई थी, जो कि एक बहुत अच्छा अपडेट था गेम का। ग्लू वॉल से काफी हमारा गेम फेमस हुआ था। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद हमारे कैरेक्टर्स का मतलब पूरा इंटरफेस चेंज कर दिया गया था। पहले हमारे केवल 2 कैरेक्टर थे, हमारा पहला तो एडम, दूसरा हमारा था उसका फीमेल वाला, लेकिन भाई धीरे धीरे हमारे कैरेक्टर्स ऐड होते गए गेम में, और गाइस अब तो बहुत ज्यादा कैरेक्टर हो गए गेम में। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारी ओल्ड लॉबी कुछ ऐसी रहती थी, फिर आप लोग यहाँ पे पूरा देख सकते हो लाइन रहती थी, और गाइस लीडर बोर्ड काफी अच्छा बनाया जाता था, लेकिन भाई अब तो पूरा चेंज कर दिया गया है। सो गाइस आपको मैं बता दूं हमारा ओबी 10 अपडेट में रैंक सीजन स्टार्ट हो गया था गेम में, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारा बहुत अच्छा अपडेट था, क्योंकि भाई अगर ये अपडेट नहीं आता तो गेम की इतनी हाइप नहीं होती। इससे मतलब क्या फायदा हुआ, हम लोग को रैंक पुश करने में बहुत ज्यादा मजा आता था, जो कि गेम का सबसे अच्छा अपडेट था उस टाइम पे, क्योंकि भाई अगर रैंक सीजन नहीं ऐड होता गेम में तो भाई बहुत ज्यादा हम लोग को मतलब मजा नहीं आता। अब यहाँ पे रैंक पुश करने में मजा आता है। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा गोल्ड रॉयल पे आया था ब्रेक डांसर, जो कि कितने बंदों के पास हमारा ब्रेक डांसर है। सो गाइस अब तो बहुत ज्यादा ये रेयर हो गया, मतलब अगले बंदे लाखों डायमंड लगा देते हैं कि भाई हम लोग को ब्रेक डांसर मिल जाए। सो गाइस आप लोग को ये ट्रेन भी याद होगी कि भाई हम लोग को कितना मजा आता था इसके साथ खेलने में। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ओल्ड डेज काफी अच्छे होते थे गेम में। सो गाइस हम बात करते हैं ओबी 11 अपडेट के बारे में, जहां पे हम लोग को हॉलोविन का इवेंट देखने को मिला था, जो कि बहुत बड़ा एक इवेंट होता था पहले के टाइम का, लेकिन गाइस अब यहाँ पे नॉर्मल कर दिया गया है। फिर हम लोग को यहाँ पे ओबी 12 अपडेट में विंटरलैंड का अपडेट देखने को मिला था, ऐसे करके हम लोग को ऐसे अपडेट देखने को मिलते थे ओबी अपडेट में। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ओबी 12 अपडेट में हमारे न्यू कॉस्ट्यूम एड कर दिए गए थे गेम में, जो कि आप लोग देख सकते हो पहले मैजिक क्यूब का कैसा हमारा सीन रखा जाता था, कितने रेयर आइटम दिए जाते थे, और गाइस कैसा हमारा गोल्ड रॉयल आता था अच्छा अच्छा, और गाइस यहाँ पे वेपन रॉयल इनक्यूबेटर कितने अच्छे दिए जाते थे, लेकिन भाई अब तो एकदम सा टट्टी कर दिए गेम को। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे ओबी 13 अपडेट, जो कि इसमें हम लोग पैड देखने को मिला था, जिसके बाद हम लोग को यहाँ पे लॉग इन रिवॉर्ड्स भी देखने को मिलते थे, जो कि बहुत ज्यादा अपडेट अच्छा हमारा हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफी मतलब ओल्ड डेज यार एकदम से मेरे को याद आ रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ, इसको देख के एक टाइप से रोना आ रहा है कि भाई गेम पहले कैसा होता था, लेकिन भाई अब कितना खराब कर दिए, एकदम पे टू विन वाला गेम कर दिए। सो गाइस आप लोग ओल्ड इंटरफेस देख के अपनी मेमोरीज ताजा कर लो, हम लोग को
कितना मजा आता था जिपलाइन से खेलने में, इधर से उधर कूदा करो, और कैसे यहाँ पे लॉबी ट्री लगते थे जिसमें से डायमंड मिलता था, पूरी मतलब भाग दौड़ मस्ती थी, बहुत ज्यादा मजा आता था। सो गाइस आप लोग को ओल्ड डेज याद आते हैं फ्री फायर की कि नहीं, आप लोग कौन बता देना। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा OB14 अपडेट, जो की बहुत ज्यादा ये भी ओपी आया था। इसमें हमारे और पेट ऐड किए गए थे, जैसे कि हमारा पहला पेट तो किटू था, उसके बाद सेकंड पेट हमारा छोटा सा जो एक टॉप है वो हमारा रखा गया था, फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैकेनिकल पप आपको देखने को मिला था सेकंड पेट। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे पहले ये कार्ड मिलते थे जिससे हम लोग अपडेट करते थे हमारे कैरेक्टर्स को। सो गाइस बहुत ज्यादा हमारा पहले गेम अच्छा होता था, अब तो भाई एकदम मतलब छोड़ ही दो, पुराने जैसी कोई चीज हमारी ऐड ही नहीं है। आप लोग देख सकते हो पहले मोड कितने अच्छे अच्छे आते थे जॉम्बी वाले। सो गाइस ओल्ड फ्री फायर का कंपेयर कोई भी गेम नहीं कर सकता। सो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा OB15 अपडेट देखने को मिला था, जिसके बाद हम लोग को बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी। इस अपडेट में हम लोग को काफी अच्छी चीजें देखने को मिली थी, जो कि वॉच एंड अर्न वाला एक इवेंट आया था जिससे आप लोग डेली 20 डायमंड क्लेम कर सकते थे। सो गाइस हम लोग को यहाँ पे रिवॉर्ड देखने को मिले थे, जो कि फेसबुक पे इन लोग के 10 मिलियन लाइक्स हुए थे तो उसके हम लोग को रिवॉर्ड देखने को मिले थे। फिर हमारा यहाँ पे वॉच एंड अर्न वाला इवेंट आया था। सो गाइस देख सकते हो जॉम्बी बैच हमारा टोकन अपडेट हुआ था, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा एक चीज रखा गया, जो कि ये अभी गेम में अभी भी है। और गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इमोट भी ऐड किए गए थे स्टोर में। सो गाइस देख सकते हो लक रॉयल का हमारा कुछ ऐसा सेक्शन रखा जाता जहाँ पे आपको मतलब आइटम देखने को मिलते थे नए नए। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा आया था OB16 अपडेट, जहाँ पे हम लोग को रैम्पेज का अपडेट देखने को मिला था। पहला रैम्पेज हमारा इवेंट आया था OB16 अपडेट में, इसको आप लोग याद रखना। सो गाइस ये हमारा बहुत ज्यादा अच्छा अपडेट था। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा OB17 अपडेट में हम लोग को सेकंड एनिवर्सरी का अपडेट देखने को मिला था, जिसकी कुछ हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस रखा गया था। इसमें हम लोग को यूट्यूब का पार्टनर प्रोग्राम भी ऐड कर दिया गया था, जो कि ये भी बहुत अच्छा था यूट्यूबर्स के लिए, जो कि आज मतलब फ्री फायर के भगवान बन रहे यूट्यूबर। तो भाई ये हमारा OB17 अपडेट में हुआ था। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग को एनिवर्सरी के टाइम पे कितने अच्छे अच्छे इवेंट देखने को मिलते थे, कैसा हम लोग को मतलब रिवॉर्ड देखने को मिलते थे, लॉग इन रिवॉर्ड करके सारी चीजें हम लोग को दिया जाता था। सो गाइस हम लोग को यहाँ पे मतलब नूब वाली कॉस्ट्यूम दी गई थी सेकंड एनिवर्सरी पे। तो भाई आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छा अपडेट हमारा आया था OB17 का। इसमें हम लोग को यूट्यूब का पार्टनर प्रोग्राम ऐड किया गया था, इसको आप लोग याद कर लेना। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा OB18 अपडेट, जो कि इसमें हम लोग को दिवाली का अपडेट देखने को मिला था, जो कि पहला हमारा दिवाली का इवेंट आया था। सो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा पूरा स्टोर अपडेट हो गया था OB18 अपडेट में। तो भाई इतने अपडेट हम लोग को देखने को मिले हैं अभी तक के गेम के, जो कि आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो OB19 अपडेट, जहाँ पे विंटरलैंड का अपडेट आया था। सो गाइस ये भी बहुत ज्यादा ओपी अपडेट था। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा OB20 अपडेट में कालहारी मैप ऐड किया गया था। सो गाइस ये वाला बहुत ज्यादा अच्छा अपडेट था, मैं इस टाइम खेलता था गेम, बहुत ज्यादा मजा आता था, बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी हम लोग को फ्री में दिए जाते थे इस अपडेट में, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लॉबी कितनी ज्यादा ओपी बनाई जाती थी पहले, लेकिन भाई अब तो एकदम बेकार कर दिया गया है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा OB21 का अपडेट आया था, ये भी बहुत ज्यादा ओपी अपडेट था। इसमें भी हमारे ओल्ड कॉस्ट्यूम ऐड कर दिए गए थे स्टोर में, जो कि आप लोग देख सकते हो। सो गाइस इस अपडेट में हम लोग को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स फ्री में मिले थे, जैसा कि आपको पता है बनी वाला एक इवेंट आया था जहाँ पे आप लोग गेम की लॉबी में एग देखने को मिलते थे जिसपे हम लोग टच करते थे, सो गाइस हम लोग बॉल बन जाते थे। तो भाई आपको ये वाला अपडेट कैसा लगा, कौन बता रहा है, मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा इसमें मजा आता था। आपको पता है ऐसे जो एग होते थे हमारे मैप पे भी लग जाते थे जिसको हम लोग फोड़ते थे, तो भाई उसमें से हम लोग को टोकन और रिवॉर्ड्स देखने को मिलते थे। सो गाइस बहुत ज्यादा अच्छा अपडेट था ये। उसके बाद हम लोग को देखने को मिला था OB22 अपडेट, जहाँ पे हम लोग बीच पार्टी वाला इवेंट देखने को मिला था। सो गाइस ऐसे हम लोग को अपडेट देखने को मिलते थे, आपको यहाँ पे मतलब यूनिकॉर्न इनक्यूबेटर देखने को मिला था इस अपडेट में, बहुत ज्यादा ओपी ये भी इनक्यूबेटर आया था। ये हमारे ओल्ड डेज है फ्री फायर के, जो कि आपको अब देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ आपको थोड़ी सी वाइब आ जाएगी, लेकिन भाई ऐसे ओल्ड डेज आपको मतलब आप लोग खुश हो यार, ग्राफिक हमारे पुराने हो ही नहीं सकते। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफी ज्यादा ओपी अपडेट हमारा आता था पहले, लेकिन भाई अब तो फ्री फायर मैक्स आ गया है। सो गाइस हम लोग को ओल्ड वाइब्स कैसे देखने को मिल सकती है, इतने हाई ग्राफिक्स उसके रहते हैं, फ्री फायर के इतने हाई ग्राफिक्स नहीं रहते थे, तो भाई खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता था। सो गाइस मेरा बस इतना मानना है कि फ्री फायर को अनबैन कर दिया जाए मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग को काफी मजा आता था फ्री फायर खेलने में। थोड़े से जैसे हमारा जो आपको पता है OB39 अपडेट आ रहा है, इसमें से ओल्ड वाइब्स देखने को मिलेगी। सो गाइस फ्री फायर अनबैन हम लोग को आपके सपोर्ट से देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई गरना इस पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है कि इंडिया में फ्री फायर को अनबैन किया जाए, अगर आप लोग गेम को सपोर्ट करोगे। इसलिए OB39 अपडेट में हमारी कुछ ओल्ड चीजें ऐड की जा रही है कि भाई आप लोग गेम को सपोर्ट करो, ताकि वो लोग फ्री फायर को फिर से ला सके गेम में, उसके बाद हम लोग को काफी मजा आने लगेगा। तो भाई आप लोग को इतना ही कहूंगा कि आप लोग गेम को थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा खेलना स्टार्ट कर दो, OB39 का जब अपडेट आएगा उसके बाद थोड़ी सी हम लोग को ओल्ड वाइब्स देखने को मिल जाएगी फ्री फायर की। तो भाई आपसे यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करो, हो सकता है हम लोग को आपके सपोर्ट से फ्री फायर अनबैन देखने को मिल जाए। सो गाइस यहाँ पे मैंने आपको कुछ ओबी अपडेट दिखा दिए, जो कि मैं अगर आपको मतलब पूरे अपडेट दिखाऊंगा ओबी के तो भाई बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं इसको पार्ट वन कर दे रहा हूँ, पार्ट टू मैं आपको सेकंड वीडियो में बना दूंगा। सो गाइस अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसका पार्ट टू भी ले आऊंगा, बस आप लोग कमेंट कर देना एक बार। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मैंने यहाँ पे आपको ओल्ड वाइब्स याद दिला दिए फ्री फायर के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।